तो जो नेप पिंड खरीदने पहले आपको कई बार डाउन तो होता है कि लेजर पिंड खरीदें या फिर इंकजेट। आज मैं आपकी सी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो देखते रहिए, मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान पाथ। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर आप पिंड खरीदना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप कौन सा पिंड खरीदना आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर आपको वैसे रेट में कम मिल जाता है लेजर जेट प्रिंटर के मुकाबले। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसके अंदर आपको स्याही डालनी पड़ती है, यानी कि इसके अंदर आपको स्याही डालनी पड़ती है। स्याही की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक इसमें आपको चार तरह की स्याही डालनी होती है जिसकी कीमत लगभग 200 से 300 रुपये पर इंक की होती है, यानी कि आपको पूरे प्रिंटर रिफिल करने के लिए आपको 800 से 900 रुपये खर्च करने होते हैं। मगर जो लेजर जेट प्रिंटर में इसमें आपको इसे रिफिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 रुपये ही खर्च करने पड़ते हैं। और अब बात करते हैं जो इंकजेट प्रिंटर है इसमें आपके और क्या एडवांटेज मिलते हैं। इस प्रिंटर में आप अपनी फोटो प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई कलर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो प्रिंट कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी तरह के पेज पर, यानी कि अगर आपका पेज हार्ड है या फिर स्मूथ पेज है तो आप उनमें भी प्रिंट कर सकते हैं। मगर लेजर जेट प्रिंटर में आप जो हार्ड पेज है उसमें आसानी से प्रिंट नहीं कर सकते। और अब बात करें कि इसमें और क्या आपको खूबियाँ मिलती हैं, जैसे कि आपने कोई इसमें लगभग साथ कई प्रिंटर आपको स्कैनर भी साथ मिल जाता है, इसका अलग फैक्टर हो गया। और अब बात करें कि इसमें आपको डिसएडवांटेज क्या मिलते हैं। जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसमें आप जो फास्ट प्रिंटिंग नहीं कर सकते, साथ ही साथ आपको इसमें लॉन्ग टर्म में आपको बहुत महंगा होता है। जो इंकजेट प्रिंटर है ये साथ ही साथ आपको उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं देता, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकते एक दिन में। इसकी लिमिट लगभग कम होती है क्योंकि इसकी स्पीड स्लो होती है, साथ ही साथ इसमें ये आपको महंगा पड़ता है। मगर जो लेजर जेट प्रिंटर है वो आपको पहले तो आपको महंगा मिलेगा, मगर जो लॉन्ग टर्म में वो आपको कम रेट हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। जो फास्ट ये फास्ट प्रिंट करता है, साथ ही साथ आपको इसमें अगर आप टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इसमें 7 टेक्स्ट मिलेंगे। ये होते हैं लेजर जेट प्रिंटर। और अगर आप बात करें कि इसमें आपके लिए कौन सा सही रहेगा, अगर आप महीने में कोई एक या दो प्रिंट करते हैं या फिर सप्ताह में एक या दो प्रिंट करते हैं तो आपके लिए इंकजेट प्रिंटर सही रहेगा। मगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, यानी कि आप हर रोज 20 से 30 पेज या फिर उससे ज़्यादा पेज प्रिंट करते हैं तो आपके लिए लेजर जेट प्रिंटर सही रहेगा, क्योंकि ये आपको फास्ट मिलेगा, साथ ही आपको कम कॉस्ट में प्रिंटिंग देता है। ये होते हैं प्रिंटर। जो मुझे आपको बताना चाहूँगा अगर आपके लिए कौन सा प्रिंटर बेहतर है और आपको कौन सा प्रिंटर खरीदना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।